कोरोना कहर की लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना के 24 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। कोरोना अपने पैर पसार रहा है छत्तीसगढ़ में। लगातार कोरोना के नए मामले आ रहे हैं और इजाफा कहीं ना कहीं हो रहा है। अब तक आपको बता दें 4182 सैंपल की जांच हो चुकी है। रायपुर में 11, रायगढ़ में 5, दुर्ग में 2, कांकेर में 3, बेमित्रा, जांजगीर चांपा में एक एक मरीज मिला है। लगातार कोरोना पैर पसार रहा है और कहीं ना कहीं मामले इसमें बढ़ रहे हैं, इजाफा हम देख रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग भी इसे लेकर कहीं ना कहीं सतर्क है, अलर्ट है। साथ ही साथ गाइडलाइन को फॉलो करने की भी नसीहत दी जा रही है, अपील भी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बीते कुछ समय में एक बैठक भी बुलाई गई थी जिसमें कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए थे। कोरोना को लेकर, कोरोना के वेरिएंट्स को लेकर भी इसमें चर्चा हुई थी और अस्पतालों को तैयार रहने की बात की गई थी कि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है और किसी भी इमरजेंसी में अस्पताल तैयार रहे। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तमाम राज्यों को निर्देश जारी किया गया कि स्पेशल बेड, कोविड सेवा के लिए स्पेशल स्टाफ और साथ ही मरीजों के सुविधा में कमी ना हो, इसको भी ध्यान में अस्पतालों को रखना होगा। ऐसे में 24 नए मामले सामने आ गए हैं कोरोना के छत्तीसगढ़ में। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, कोरोना के केसेस लगातार अब छत्तीसगढ़ से सामने आ रहे हैं, फिलहाल क्या आंकड़े हैं? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जो है वो लगातार जारी है और बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं जिसमें राज्य के 7 जिलों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं जिसमें राजधानी में सबसे ज़्यादा 11 मरीज जो है वो मिले हैं। इसके साथ ही रायगढ़ में 5, कांकेर में 3, इसके अलावा और भी तमाम जिलों से कोरोना के मामले जो हैं वो सामने आए हैं। राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में सबसे ज़्यादा 11 मरीज है जिससे अब राजधानी रायपुर में एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो 40 हो गई है। इसके साथ ही बीते दिनों राज्य में 4142 सैंपलों की जांच हुई है जिसमें से 31 मरीज जो हैं होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज हुए हैं। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बीते दिनों फिलहाल किसी की भी कोरोना से मौत नहीं हुई है। जी, तो लगातार इजाफा तो हो ही रहा है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं गाइडलाइंस को फॉलो करना ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया तनु जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की हम बात कर